बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां आपको बता दें कि हरियाणा की 5 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं और इन सभी 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें बड़ी खबर जो हरियाणा से आ रही है, जहां 5 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं और सभी 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। नूह सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीत चुके हैं, साथ ही कालावली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं, पंचकूला से भी कांग्रेस को जीत मिली है। हॉट सीट रही जुलाना से जीत दर्ज की है विनेश फोगाट ने, आपको बता दें बड़ी खबर जो आ रही है। साथ ही कैथल से कांग्रेस के आदित्य सरोजेवाला ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी खबर जो आप बता दें आपको जो हरियाणा से आ रही है। जुलाना सीट से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है, जुलाना सीट जो इस पर कांग्रेस पिछले कई सालों से नहीं जीती थी, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, उस सीट पर विनेश फोगाट ने ये जीत दर्ज की है। तो ये जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है, आपको बता दें। वहीं साथ ही कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं उन्होंने भी कैथल सीट से जीत दर्ज कर ली है। हरियाणा में अभी तक 5 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इन सभी 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, आपको बता दें जो बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हालांकि रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन जो नतीजे जिन सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं उन सभी 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जो बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। जहां पे नूह, कालावाली और पंचकूला, जुलाना और कैथल सीट से कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जीत चुके हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है, ये बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। जुलाना सीट से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है,